क्या आपको पता है 1/4 कप आइसिंग शुगर, 1/4 कप रूम टेम्परेचर पे बटर लेकर के इसको अच्छे से विस्क कर देंगे, और तब तक विस्क करेंगे जब तक ये बिल्कुल वाइट और फ्लफी ना हो जाए। फिर इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जितनी रिक्वायर्ड हो 2-3 स्पून मिल्क डाल के इसका एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। फिर इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, और 1 पार्ट में इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल करके और 1 स्पून मिल्क डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको बेल लेंगे दोनों को, और इसको ओवरलैप रख करके इस तरीके से इसको रोल कर देंगे। तो रोल करने के बाद इसमें बटर पेपर पे रोल करके इसको 15 मिनट्स के लिए आप फ्रीज में रख दें, नॉट फ्रीज़र में, फ्रीज में। और फिर उसके बाद इसको पीसेस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप चाहें तो इसे गैस पे भी बेक कर सकते हैं, नहीं तो 160 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक कर लें, और तो आप बहुत ही टेस्टी पिनव्हील चोको वनीला कुकीज़ बना सकते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी।